हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद हार्वी। टुडे वी आर गोइंग टू सी प्लेटलेट टेस्ट, दैट इज डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सेंटर ऑफ दिस प्लेट, दैट इज टेस्ट प्लेट। इस टेस्ट के सेंटर पे एक प्लेट लगा देंगे जिसको टेस्ट प्लेट बोलते हैं। ये माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है और इसकी जो साइज होती है 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होती है। ये इसका शेप जो होता है, शेप ऑफ दिस प्लेट कैन बी स्क्वायर और सर्कुलर। स्क्वायर और सर्कुलर फाउंडेशन के शेप पर निर्भर करेगा। अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया जाएगा और सर्कुलर है तो सर्कुलर दिया जाएगा। इसमें दो डायल गेज लगे होते हैं। डायल गेज जो होते हैं मेज़र सेटलमेंट, सेटलमेंट कितना हो रहा है उसको मेजर करेगा। दो डायल गेज होते हैं। फिर उसके बाद इसमें मशीनरी सपोर्ट लगा दिया जाएगा। मशीनरी सपोर्ट लगाने के बाद रिएक्शन बीम दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद रिएक्शन बीम के ऊपर एक बैग 100-100 केजी का, 50-50 केजी का रखेंगे, एक बोरी रखेंगे। फिर उसके बाद सेटलमेंट देखेंगे प्लेट का कितना आया है। फिर उसके बाद दूसरी बोरी, जितनी बोरियाँ रखते जाएंगे प्लेट का सेटलमेंट देखते जाएंगे हम। इसमें जो लोड अप्लाइड होगा, लोड इसमें तीन तरीके से अप्लाइड होगा। एक ग्रेविटी लोड, ग्रेविटी लोडिंग जिसमें 50 केजी का बोरी रखते जाएंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा है हाइड्रोलिक लोडिंग और तीसरा हमारा है रिएक्शन ट्रस लोडिंग, स्ट्रट ट्रस लगा के उसमें उसके प्रकार से उसमें लोडिंग करेंगे। ये जो बीपी है, प्लेट की जो चौड़ाई है फाउंडेशन की चौड़ाई से 5 गुने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई जो है 5 गुने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद लोड, लोड इंक्रीज जब होगा, लोड जब इंक्रीज होगा तो सेटलमेंट ऑफ प्लेट भी इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स इस प्लेट लोड टेस्ट, तो फ्रेंड्स प्लेट लोड टेस्ट एक्चुअल में ग्राउंड पे कैसे कार्य होता है उसको हम दिखा रहे हैं। ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट है जिसके सेंटर पर टेस्ट प्लेट है, इसे टेस्ट प्लेट बोलते हैं। और उसके और इसके मिड पर एक हाइड्रोलिक जैक लगा है। फिर उसके बाद डायल गेज हमारा है, इसमें दो डायल गेज रखेंगे। डायल गेज और सेटलमेंट मेज़र करता है। फिर उसके बाद एक रिएक्शन बीम लगा है ऊपर, रिएक्शन बीम लगा है साइड से। सपोर्टिंग अरेंजमेंट होता है, इसे मशीनरी सपोर्ट भी लगा सकते हैं। टेस्ट अरेंजमेंट के बाद इसमें हम लोड अप्लाइड करेंगे। लोड ग्रेविटी लोड भी अप्लाइड करते हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग होती है और रिएक्शन ट्रस भी लोडिंग होता है। लोड अप्लाइड के बाद इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में लोड और सेटलमेंट का बनता है तो उसको ग्राफ देखते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोड वर्सेस सेटलमेंट का ग्राफ देखेंगे, किस प्रकार से लोड और सेटलमेंट का ग्राफ बनता है। तो इसका केस फर्स्ट होता है, केस फर्स्ट में किस प्रकार का ग्राफ बनता है वो देखते हैं। एक्स अक्ष पर लोड हमारा रहेगा और वाई अक्ष पर सेटलमेंट रहेगा। तो इस प्रकार इसमें इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, जो ये हमारा है क्यू यू, ये है हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। इसमें इसमें जो सॉइल की प्लेट के नीचे जो सॉइल रहेगी वो उसका नेचर डेंस होगा। द सॉइल
below the plate is dense. केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में किस प्रकार का ग्राफ बनता है वो देखते हैं. ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा. ये जो प्रोग्रेसिव है, इसमें प्लेट के नीचे जो मृदा है सॉइल, उसका जो नेचर होगा वो लूज होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं द सॉइल बिलो द प्लेट इज लूज सॉइल. अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. तो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है? फॉर सैंड तरजागी का एक फार्मूला है, उससे हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाइंड आउट करते हैं. तो इसका फार्मूला होता है एस अपॉन एस पी बराबर बी कोष्टक में बी पी प्लस 0.3 अपॉन बी पी कोष्टक में बी प्लस 0.3 का होल स्क्वायर. ये हमारा तरजागी के द्वारा दिया गया फार्मूला है, जहाँ एस है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इन एमएम में, एसपी हमारा है सेटलमेंट ऑफ प्लेट, ये भी एमएम में रहेगा, और जो बी है ये हमारा है साइज ऑफ फाउंडेशन मीटर में, और बीपी हमारा जो है साइज ऑफ प्लेट, ये भी हमारा मीटर में होगा. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन कर सकते हैं तरजागी के फार्मूले से. और ये प्लेट लोड टेस्ट प्रोसीजर देखने के बाद हम इसको ग्राफ और लोड वर्सेस सेटलमेंट का ग्राफ और डिटरमिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का देख चुके हैं. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.